search Digipo on YouTube. क्रीमी ने मेहनत से और जल्दी जल्दी काम किया। हो गया। टोनी, अब तुम जा सकते हो। डिजिपो, तुम वापस चलने के लिए तैयार हो? तुम्हें लगता है तुम इतने सारे कंटेनर खींच लोगे? चिंता मत करो, टोनी के लिए इतना भार खींचना कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक कहा ना? यकीन नहीं होता तुमने मेरी तारीफ की। चलो अब चलते हैं। ठीक है। बाय दोस्त। तुम्हें भी छोटे दोस्त। बाय बाय। गेटिंग लॉस्ट। ये वो जगह है जहाँ रेलगाड़ियाँ बनती हैं। नया नया छोटा टीटीपो यहाँ टेस्ट रन कर रहा है। अरे वाह! आखिरी चक्कर थोड़ा सा और तेज। चलो चले। टीटीपो, तुम्हें मोड़ पर रफ्तार कम करनी चाहिए। ओ हाँ। शाबाश टीटीपो। इस बार तो ठीक था ना टियो? कल से बहुत बेहतर था। बस तुमने मुझे पता है, मुझे मोड पर थोड़ा धीरे हो जाना चाहिए। मैं भूल गया था, लेकिन बाकी सब तो मैंने ठीक किया ना। लेकिन इस तरह से भूलने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं अभी चूचू टाउन नहीं जा सकता? कोशिश करते रहो और थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। कैसे हो टियो? टोनी, अब तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगा कि मेरी ताकत खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा। hey, मुझे लगता है हम पहले नहीं मिले हैं। इससे मिलो, ये है टीटीपो, अभी ये प्रैक्टिस रन कर रहा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। टीटीपो, उम्मीद है कि जल्दी पटरी पर मिलोगे। टियो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे मिल लेना। टोनी के जाते ही वहां दूसरी रेल आ गई। सुबह के मजे ले रहे हो टियो? हाय जी। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मुझे एक छोटी सी चोट लग गई है। अच्छा, कहां पर? ये रहा। मुझे दर्द भी हो रहा है। इसे पहले कभी नहीं देखा। ठीक कहा, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई छोटी रेल है। इसका नाम है टीटीपो। हेलो टीटीपो। हेलो। जीनी अब चूचू शहर में रहती है। वाह, क्या बात है। मेरा भी सपना है कि मैं वहाँ रहूं। जरूर रहोगे, जब तुम काम के लिए तैयार हो जाओगे। मुझे लगता है मैं तैयार हूँ टियो। मुझे नहीं लगता। जीनी, चलो तुम्हें ठीक करवा दूं। ठीक है। टीटीपो, मैं जीनी की हेल्प करके वापस आता हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है। सवारी तैयार है, चलो अब चलते हैं। चलो चले। वहाँ अकेले खड़े खड़े टीटीपो कुछ बोर होने लगा। काश मैं घूमने के लिए चूचू टाउन जा सकता। मैं तेजी से वहां जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। टियो की इजाजत लिए बिना टीटीपो प्रोडक्शन प्लांट से बाहर चला गया। अरे वाह! कितना मजा आ रहा है। अरे बच्चे, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, तो क्या तुम थोड़ा तेज चलोगे? जरूर। बढ़िया। वो अभी मेरे पीछे है। अरे बाप रे, क्या इतनी धीरे कोई रेल चलती है? अब मैं क्या करूं? मैं पाय मुड़ जाता हूँ। जैसे ही टीटीपो रास्ते से हटा, मालगाड़ी तेजी से आगे निकल गई। बाय बाय कछुए, बाद में मिलते हैं।
टीटी पो ने देखा कि वो किसी अनजानी जगह पहुंच गया है। कहाँ हो तुम? जल्दी हटो। सुनो छोटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने रास्ते में जाम लगा रखा है। अरे क्या कर रहे हो तुम? माफी चाहता हूँ। हमको जल्दी जाना है। हटो, जल्दी करो। क्या अब मैं वापस चलूँ? नहीं, थोड़ा और आगे चलता हूँ। ये है बंदरगाह। टीटी पो काफी दूर निकल आया है। ये मैं कहाँ आ गया? ओ, अरे ये तो टोनी है। टोनी, हाँ, डराना नहीं चाहता था। तुम उस ट्रेन जैसे दिखते हो जिसे मैं जानता हूँ, माफ करना। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता नहीं, रास्ता भूल गया। तुम्हें पता है कि ये जगह सिर्फ मालगाड़ियों के लिए है, यहाँ खतरा है, तुम जाओ। जाऊँ? ठीक है, लेकिन रास्ता नहीं पता, जाऊँगा कैसे? उस रास्ते से जाओ, तुम्हें टर्न टेबल मिल जाएगी। शुक्रिया। शायद यही ठीक रास्ता है। यही है वो? पता नहीं ये काम कैसे करता है। पता नहीं ये काम कैसे करता है। ये कौन बोला? किसने कहा ये? कौन है वहाँ पर? ऊपर देखो। अरे बच्चे, अगर तुम जाना चाहते हो तो ट्रेन टर्न टेबल पर चढ़ जाओ। टर्न टेबल पर चढ़ जाओ? क्या ये ठीक है? अरे काम बंद होया। बिल्कुल। कहा था ना, मैं गलत तरफ नहीं घुमाता। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुम कौन हो? मैं हार्बर की सबसे ताकतवर मशीन हूँ। मेरा नाम है क्रेनी। सच में तुम्हें पक्का पता है? क्या टोनी ज्यादा ताकतवर नहीं? क्या टोनी? एक मालगाड़ी मेरी ताकत का मुकाबला करेगी? क्या कहा, एक मालगाड़ी? तुम फिर से डींगे मारने लगे क्रेनी। टोनी, बहुत दिनों बाद दिखे। तुम अब भी वैसी ही बातें बनाते हो टोनी। टीटीपो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं अपने आप ही निकल पड़ा और रास्ता भूल गया। ओहो, मुझे अपना सामान लेने दो, फिर मेरे साथ चलना। ठीक है। क्रेनी, अपनी तारीफ करना बंद करो और मेरे कंटेनर्स लोड कर दो। ओह टोनी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, चलो मैं काम शुरू करता हूँ। उठाया, लोड किया, लोड किया। क्रेनी ने मेहनत से और जल्दी जल्दी काम किया। हो गया। टोनी, अब तुम जा सकते हो। टीटी पो, तुम वापस चलने के लिए तैयार हो? तुम्हें लगता है तुम इतने सारे कंटेनर खींच लोगे? चिंता मत करो, टोनी के लिए इतना भार खींचना कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक कहा ना? यकीन नहीं होता तुमने मेरी तारीफ की। चलो अब चलते हैं। ठीक है। बाय दोस्त। तुम्हें भी छोटे दोस्त। बाय बाय। मैं चलता गया और बंदरगाह में पहुंच गया। तो ये हुआ था।
पहुंचने वाले हैं टीटी पो। टोनी की मदद से टीटी पो प्रोडक्शन प्लांट में सुरक्षित वापस पहुंच गया। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया टोनी। अब अंदर चलता हूँ। टीटी पो। टीटी पो, पूरा दिन तुम कहाँ थे? वो बात ही है, मैं जल्दी से बाहर घूमकर आना चाहता था। तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था, मैं परेशान था। मुझे माफ कर दो। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं। टीटी पो, अपना दरवाजा खोलोगे जरा? हाँ जरूर। बढ़िया, जाने के लिए तैयार हो? जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहाँ? अपने काम पर जाने के लिए, मतलब ये कि अब तुम चूचू शहर जा सकते हो। क्या सच में टियो? वाह, क्या मैं अभी जा सकता हूँ? अभी तो अंधेरा हो रहा है, हम कल सुबह चलेंगे। अब तुम जल्दी एक अच्छी रेल बनो और सोने चले जाओ। ठीक है। मुझे कल तक इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। तो आखिरकार टीटी पो चूचू टाउन जाएगा। मुबारक हो टीटी पो। तुम ये कर सकते हो टीटी पो। चूचू शहर में एक नई सुनहरी सुबह। तुम जा सकते हो। ठीक है, बाद में मिलता हूँ सर। वो देर क्यों कर रहा है? हे, 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 मैं आ गया मिस्टर हब। टीटी पो, तुम देर से आए हो। मैं देर से उठा, माफी चाहता हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ। ठीक है। टीटी पो, जल्दबाजी मत करना। जी मिस्टर हब। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। बहुत देर कर दी तुमने। टीटी पो, तुम इतनी देर कैसे लगा सकते हो? माफी चाहता हूँ, अब मैं चल रहा हूँ। आज मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। माफ कीजिएगा सर, ट्रेन आज लेट आई। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। जल्दबाजी में टीटी पो तेज दौड़ने लगा। अरे मोड़ आ गया। अरे नहीं, मैं पटरी से गिर रहा हूँ। हम पटरी से उतरने वाले थे। हाँ, हम सब ठीक हैं। चलो शुक्र है, आप बिल्कुल मत डरिए, अब मैं चल रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया? मैं चल क्यों नहीं पा रहा? ना चल पाने की वजह से टीटी पो को टेओ के पास ठीक होने के लिए जाना पड़ा। मैं आ गया। टीटी पो, तुमने फिर से गलती की। यात्रियों को बैठा कर तुम मोड़ पर इस तरह इतना तेज क्यों दौड़े? माफी चाहता हूँ, देर हो गई थी इसलिए। लेकिन तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दोबारा कभी नहीं करूँगा मिस्टर होप। देर हो गई है, जाओ आराम करो। ठीक है। हाँ, मैंने भी यही सुना था। अच्छा, टीटी पो आ गया। टीटी पो। हेलो, मैं आ गया। हमने सुना तुम गिरते बचे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है। टीटी पो बहुत उदास लग रहा है। मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा। मैंने भी। अगले दिन टीटी पो अपने उसी रूट पर चल पड़ा। सभी को हेलो। तुम तो आज टाइम पे हो। तुम्हारा शुक्रिया। तो ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। अब मैं ध्यान से जाऊंगा। हाँ, यही वो मोड़ है जहाँ मैं पटरी से गिरते गिरते बचा था। अचानक से क्यों रुक गए? माफी चाहता हूँ, बस थोड़ा सा डर गया था। ये क्या, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं,
जिस जगह पर टीटी को पटरी से गिरते गिरते बचा था उस जगह पर पहुंचते ही उसका डर बढ़ गया। माफी चाहता हूँ लेकिन आगे नहीं जा सकता। अरे ये क्या कह रहे हो टीटी पो? अभी तो मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा। टीटी पो फिर से टेओ के पास पहुंच गया। ये तो अजीब बात है, तुम्हें कोई खराबी नहीं है फिर भी तुम चल क्यों नहीं पा रहे? मुझे बिल्कुल नहीं पता टियो, लेकिन जैसे ही मैं मोड़ के नजदीक पहुंचा, मुझे डर लगने लगा और मेरे पहिए वहीं पर रुक गए। ओह अच्छा। सच कह रही हो? वो अपने डर की वजह से उस मोड़ को पार नहीं कर पा रहा। हाँ, मैंने मिस्टर हब और टियो को बात करते हुए सुना था। हो सकता है, जब वो दिखा था ना तो वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था मुझे। कितना परेशान है बेचारा टीटी पो। क्या हम किसी भी तरह से टीटी पो की मदद नहीं कर सकते हैं? मदद करने में टीटी पो सबसे अच्छा है। ओ, क्या कहना चाहती हो जीनी? एक बार जब मुझ पर धूल लग गई थी और मैं उदास थी, कितनी गंदी हो गई मैं। जीनी मेरी तरफ देखो। टीटी पो बस करो, मजाक की बात नहीं है। टीटी पो मुझे हंसा कर ही माना, उसने मेरा मूड ठीक कर दिया। हाँ बहुत हसमुख है वो। एक बात बताओ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे एक नई रूट पर किसी अनजान जगह जाना था, उससे पहले की रात में डर रही थी। जाओ जाओ सिंह सिंह, तुम सबसे अच्छी हो सिंह 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 सिंह, तुम कर सकती हो सिंह सिंह, जाओ जाओ सिंह सिंह। टीटी पो ने उस दिन मेरा हौसला बढ़ाया और मैं अपना काम अच्छे से कर पाई। ओ, मैं भी कुछ बताता हूँ। बताओ ना। एक बार मैंने अपना सामान गलत जगह पर पहुँचा दिया था। ये सामान बंदरगाह जाना चाहिए था, ये सामान यहाँ का नहीं है। हाँ ठीक कहा, माफी चाहता हूँ। पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैं बहुत उदास था। डीजल चलो घूमने चलते हैं, जब मन उदास हो तो घूमने जाना चाहिए। घूमने के लिए? इस बार घूमने के लिए क्यों ना हम दूर जाएं? प्लीज। देर से लौटने पर मिस्टर हब ने डांट लगाई थी हमें, लेकिन बहुत मजा आया था। क्यों ना हम सब भी मिलकर टीटी पो के लिए कुछ ऐसा ही करें? हाँ ये ठीक रहेगा, और कल तो हमारी छुट्टी भी है। बढ़िया। सुनो, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। टीटी पो, टीटी पो। अगला दिन शुरू हो चुका है। कल भी मुझे उसी मोड़ से होकर जाना है। ओह, डर लग रहा है। टीटी पो। हाँ? क्या हो रहा है? ओ? अरे दोस्तों, तुमने अपने चेहरे पर क्या किया है? अच्छा लगा, मजेदार है ना? तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे टीटी पो, इसीलिए हम तुम्हें हंसाना चाहते थे। सच में शुक्रिया दोस्तों, अजीब लग रहे हो। अरे बस इतना ही नहीं है, हम सारे के सारे घूमने जा रहे हैं। घूमने? हाँ, दूर किसी जगह पर जाएंगे। चलो ना चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। दूर जाएंगे लेकिन वापस आने में देर हो गई तो मिस्टर हब से डांट खानी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वाह, सिंह सिंह की वजह से इतनी तेज जा रहे हैं। हाँ, फूलों को देखो और खेत भी। मैं जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं दौड़ा। सुरंग आ गई। वाह, समुद्र को देखो। सुंदर लग रहा है। चलो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। वाह, बहुत मजा आ रहा है मुझे। मुझे भी, यहाँ की हवा कितनी ताजी है। दूर घूमने का तो मजा ही अलग है। सच में फिर से शुक्रिया दोस्तों। टीटी पो, तुम भी हमें उदासी में ऐसे ही खुश करते हो। इतना तो हम अपने दोस्त के लिए कर ही सकते हैं। टीटी पो, अभी हमें एक और जगह जाना है। एक और जगह? बस पहुंचने ही वाले हैं। ओ, मेरे ख्याल से ये मेरे काम का रास्ता है। यही तो है।
हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम इस मोड़ को पार नहीं कर पाते ना, तो हमने सोचा अगर साथ में जाएंगे तो तुम पार कर पाओगे। अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो टीटीपो, पहले मैं जाती हूँ। देखो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टीटीपो, तुम कोशिश तो करो। मान लो कि हम तुम्हारे डिब्बे हैं और हमें अपने साथ खींचो। लेकिन दोस्तों, अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई तो? हमें तुम पर विश्वास है। बिल्कुल ठीक, कर सकते हो टीटीपो। जाओ जाओ टीटीपो, सबसे अच्छे टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। तुम भी ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। टीटीपो ने जीनी, डीजल और सिंह सिंह को डब्बों की तरह जोड़ लिया। हिम्मत दिखाओ टीटीपो। दिखाता हूँ। चक्कर आ रहे हैं। या मैं ये कर सकता हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया, मैंने सच में कर दिखाया। वाह, बधाई हो। कहा था ना, हम जानते थे तुम कर सकते हो। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। अगले दिन टीटीपो उसी रास्ते पर काम कर रहा है। अब मैं चल रहा हूँ। आ गया वो, वही मोड़। डर लग रहा है, मैं इसे पार कर सकता हूँ। हिम्मत दिखाओ टीटीपो। कर सकते हो टीटीपो। जाओ जाओ टीटीपो, तुम सबसे अच्छे टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाँ टीटीपो, तुम ये कर सकते हो। या मैंने कर दिखाया। क्या कर लिया तुमने? आज काफी खुश लग रहे हो टीटीपो। हाँ, आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। अपने दोस्तों की मदद से टीटीपो ने अपना खोया आत्मविश्वास वापस पा लिया। शुक्रिया दोस्तों। मैं जाऊँगा खदान में। खिली हुई धूप के साथ सुबह हो रही है। ये आया टीटीपो। गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो टीटीपो, आज तुम्हारी छुट्टी है। मुझे पता है आज मुझे काम नहीं करना। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जाकर खेलो। वाह, मजा आएगा। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाहर आकर कितना अच्छा लगता है। ओ, डीजल। ओ, हेलो डीजल। हेलो टीटीपो, कैसे हो? तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है इसलिए बाहर खेलने आ गया। मुझे खदान में जाना है कुछ पत्थर लाने के लिए। क्या खदान में? खदान क्या होती है? वहाँ पर पत्थर निकालते हैं और मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। हाँ, तुम भी चलना चाहते हो? क्या मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ तुम भी। मेरे लिए रुको। टीटीपो डीजल के पीछे पीछे क्वारी यानी खदान में गया। डीजल, अभी और कितनी दूर जाना है? बस पहुंचने वाले हैं। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं। सब्र रखो मेरे दोस्त। हे, वो रही खदान। वाह, कमाल की जगह है। संभाल के, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो कहा ही था मैंने तुमसे। हे डीजल, कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा काम पूरा हुआ, तुमसे बाद में मिलता हूँ दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना अपना तुम। यहाँ से ये चट्टाने निकाल कर मशीन में डाल देते हैं, फिर वो बड़ी चट्टाने मशीन में टूट कर छोटे पत्थर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर वो छोटे पत्थर हमारे डब्बों में भर दिए जाते हैं ले जाने के लिए। ये सब कितना कमाल का है। ये क्या हो रहा है? वहाँ ऊपर देखो।
तो टूट रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो डीजल। तुम डरो मत, वो विस्फोट कर रहे हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए। ओ, अब समझा। डीजल, अगला नंबर तुम्हारा। ठीक है, यही इंतजार करो। ठीक है। डीजल खदान पर पहुंच गया है। डीजल हाजिर है। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाओ। ठीक है, अब पहुंच गया। लोडिंग के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पूरा भर गया हूँ। डीजल। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे खींच लोगे? ये तो सभी मालगाड़ियों के लिए आम बात है। क्या सच में? बिल्कुल, उस तरफ देखो। ओ, ओ, तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत मजबूत है। हाँ सही कहा। दो तीन चार मालगाड़ी आ गई, हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए। क्या ये हमेशा ऐसे ही गाते हैं? हाँ, काम करते हुए गाना गाने में मजा आता है। मुझे भी ये गाना आता है। एक दो तीन चार बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार मालगाड़ी आ गई, हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। ये बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, कमाल की बात है। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार मालगाड़ी आ गई। तो तुमको खदान में आकर कैसा लगा? मुझे सच में बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ मैं खदान में काम करूँ। शायद तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया गया। क्यों? मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा। टिटीपो टिटीपो। अगले दिन सुबह टीटीपो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। काम शुरू। हम अब चलते हैं। हेलो मिस्टर हब। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग टीटीपो। तुम पर इतनी सारी धूल क्यों लगी है? तुम्हें हमेशा खुद को साफ रखना चाहिए। लेकिन धूल में तो मैं अच्छा लगता हूँ। इस समय तो मुझे काम पर जाना है, तो वापस आकर मैं खुद को धो लूंगा। मुझे पता है तुम्हें अभी जाना है, लेकिन अगली बार अपने आप को साफ करके आना। ठीक है, फिर मिलते हैं मिस्टर हब। कल जो वो मालगाड़ियाँ देखी थी कितनी अच्छी थी। एक दो, ये बिल्कुल भारी नहीं है। अरे वाह। मैं तो स्टेशन पर पहुंच गया। आज मैं तेज आवाज में बोलूंगा, जैसे उन ट्रेन्स ने किया था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं। मुझे भी वो वाला गाना गाना चाहिए। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार। ये कैसा शो है? चार मालगाड़ी आ गई यार, हम है शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। टीटीपो,
ये बताओ तुम्हारे रूट पर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं। मुझे पता चला है कि तुम यात्रियों से चिल्लाकर बोले और फिर ऊंचा ऊंचा गाने लगे। कल खदान में मैं कुछ अच्छी ट्रेन से मिला था, मैं बस उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन तुम मालगाड़ी नहीं हो, तुम यात्री गाड़ी हो। अगर तुम ऊंचा बोलोगे या गाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन हमेशा चुपचाप काम करने में मजा नहीं आता। मुझे जोश वाला मजेदार काम चाहिए। यात्रियों को लाना ले जाना भी मजेदार काम है। आज के बाद से तुम अपनी आवाज धीमी रखोगे। जी सर। फ्रेट ट्रेन बनना ज्यादा मजेदार है। शायद मैं फिर से खदान में जाऊंगा। मालगाड़ी को काम करता हुआ देखने के लिए टीटीपो खदान की तरफ चल पड़ा। वाह! पता नहीं डीजल कहाँ है। वहाँ पर है डीजल। टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ। लेकिन ये मेरा आज का आखिरी चक्कर है और दूसरों का भी घर जाने का वक्त हो गया। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता था। है दोस्त। तुम यात्रियों को ले जाने वाली रेल हो ना? मैं? हाँ, ठीक कहा। लेकिन सर, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम हमें शहर के स्टेशन तक ले जा सकते हो? मैं लेके जाऊँ? हाँ, हमारी ट्रेन खराब हो गई है इसलिए यहाँ नहीं आ सकती। एक दूसरी गाड़ी भी है लेकिन अभी बहुत दूर है। जरूर, मैं आप सबको लेके जाऊँगा। अगर मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगा तो यात्रियों को परेशानी होगी। आप सबका स्वागत है। कितनी अच्छी रेल है। सही कहा। तो चलो चलते हैं। आराम से, धीरे धीरे। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। टीटीपो अपने खास यात्रियों के लिए ज्यादा ही सावधान है। सुरक्षित और आरामदायक हम पहुंच गए। आखिरकार पहुंच गए। टीटीपो की वजह से मैं आराम से सो पाया। हमें पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अब हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे और जल्दी भी। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो। हाय डीजल। तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ। तुमने उनका समय बचा लिया। हाँ बिल्कुल, यात्रियों को लाना ले जाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे लगा तुम मालगाड़ी बनना चाहते हो। नहीं, अब नहीं। अपने यात्रियों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। गलत कहा। तुम अच्छे हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सच कहूँ तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच में? बिल्कुल ठीक। सामान या यात्रियों को लाना ले जाना दोनों जरूरी हैं। टीटीपो, डीजल, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया।